मौसम बदलते ही कई तरह की बीमारियां सामने आने लगी। सबसे बड़ी बात है वायरल इन्फेक्शन, इसको लेकर बच्चे और बूढ़े हर उम्र के लोगों को बीमारी घिर रही है और अस्पतालों में ओपीडी बढ़ गई है। अब हम बात करेंगे अब जोधपुर में डॉक्टर मकवाना जी, मोहन मकवाना जी, बताइए किस तरह की ये वायरल इन्फेक्शन है, किस तरह से लोगों पर संक्रमण की तरह फैल रहा है। नमस्कार। ये मौसम परिवर्तन के बाद में जो वातावरण में टेम्परेचर बढ़ा है उसके बाद में अब आमतौर पर हम देखते हैं कि जो मौसमी बीमारियां होती हैं, मौसमी वायरल इलनेसेस बढ़ी है और अभी जिस हिसाब से देख रहे हैं आप ओपीडी के अंदर भी नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े हैं। कुछ मौसम जो ये अपने त्यौहार होते हैं, त्यौहार के बाद में अचानक थोड़ी सा वायरल इलनेसेस होती है। कोई वायरस हो सकता है जिस तरह से कोरोना में हुआ था उसी तरह से संक्रमण से फैल रही है बीमारी, वो ठीक भी नहीं हो रहे हो कई मरीजों से हमने बात की। आमतौर पर वायरल इलनेस सांस से एक दूसरे से टच करने से फैलती है और अभी कोरोना का नहीं है लेकिन ये मौसमी वायरल ही लग रहा है। कई बच्चों में भी एडिनो वायरस से मिलते जुलते लक्षण मिले हैं लेकिन लेबोरेटरी में किसी में कोई प्रूव हुआ नहीं है। ज़्यादातर सामान्य बीमारी है और किसी में भी कोई गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं मिले और सब बच्चे ठीक हो रहे हैं। और हमारे इससे बचाव के लिए क्या कुछ किया जाए? यह है कि कम से कम बच्चों को अपने घर में रखें और भीड़भाड़ वाली जगह पे नहीं ले जाएं और बच्चे बीमार हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और खान पान अच्छा रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में नहीं आए, मास्क लगा कर रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जिस तरह से जो काफ़ी मरीजों से हमने बात की काफ़ी लंबा समय लग रहा है, जैसे ये आप तो पैसे पास पैसे नहीं बता रहे, 20 दिन का है हो चुका है, इसको कोई रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अभी ये देखा गया है कि अभी जो मौसमी वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं इसके अंदर जो रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, पाँच सात दिन की बजाय 7-8 दिन 10 दिन भी लग जाते हैं बुखार उतरने में। उसके बाद में खांसी एकदम ठीक होने में 15-20 दिन का समय लगता है। तो ऐसा लगता है कि जो ये वायरल इलनेस है थोड़े लंबे टाइम तक रहती है शरीर के अंदर। ये थे डॉक्टर मकवाना जी, जिन्होंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन है, लगातार बढ़ रहा है। सर, आपके पेशेंट है क्या, कितनी उम्र है और कितने समय से क्या उम्र है? 2.25 साल, 2 साल 4 महीना, 15 दिन से बुखार और खांसी, इसको 2-1 घंटा उतरता है वापस आ जाता है, खांसी 1 मिनट में इसको 20-25 बार आती है। मरीजों में कई तरह की अलग अलग बीमारियाँ, खांसी है, कोई जुकाम, कोई बुखार, जिस तरह से आपका क्या नाम है बताओ? सर, मेरा नाम नरेंद्र जैन है और मेरे बच्चे को 15 दिन से खांसी की प्रॉब्लम है, इसको खांसी के साथ में कफ भी आ रहा है, इसको कई बार दिखाया लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये देखिए लगातार यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, अब आप बहन जी आप लेकर आए हैं बच्चे को, क्या नाम बच्चे का? सीपा, बुखार आ रहा है 2 दिन से, दवाई दे रहे हैं उतर जाता है फिर चढ़ जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि दवाई देने के बावजूद भी लोगों को, बच्चों को रिलैक्स नहीं मिल पा रहा है। मैम आप थोड़ा सा खड़े होंगे, मैं जानना चाह रहा हूँ आप लगातार यहाँ पर ओपीडी देख रहे हैं, ओपीडी कितना बढ़ रहा है, जिस तरह की ओपीडी बढ़ रहा है, ओपीडी को किस तरह से लग रहा है आपको, बच्चों में किस तरह की बीमारी का? इन दिनों ओपीडी काफ़ी बढ़ गई है, हमारे पास हल्के बुखार और खांसी के मरीज काफ़ी बढ़ गए हैं। हालांकि जाँच में कोई वायरस सामने नहीं आया है लेकिन मौसमी और वायरल बीमारी ही ज़्यादा लगती है। जिस तरह से अभी कोई वायरस का नाम लिया जा रहा है, कुछ के सिमिलर लक्षण इनमें नज़र आ रहे हैं? हाँ, ये एडिनो वायरल के लक्षण तो है लेकिन हमारे यहाँ हमने जो जांच की उसमें इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। ये बच्चे लंबे समय तक बीमार है, इसके पीछे क्या कारण है कि क्या वो ठीक नहीं हो, रिकवर नहीं कर पा रहे, क्यों? कुछ पिछले समय में जो कोरोना हुआ उससे भी बच्चों की इम्यूनिटी वीक हुई है और कुछ अभी बच्चों की इस वायरस की वजह से भी इम्यूनिटी वीक होती है तो उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से बच्चों को रिकवरी होने में समय लगता है। नहीं, कौन कौन से इन्फेक्शन फैल रहे हैं, किस तरह की बीमारी और बुखार खांसी इन्फेक्शन वगैरह किस तरह का हो रहा है? नहीं, ज़्यादा मौसमी और वायरल ही है, उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब है कि आपकी जो गले की म्यूकोसा होती है वो रफ हो जाती है तो उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया आसानी से लग जाता है तो बच्चे को सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर ने बताया कि जिस तरह से ये इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है बच्चों में और हर उम्र के लोगों में, क्योंकि जैसे मौसम बदला है उसी के साथ ही बीमारियों ने घेर लिया है जोधपुर से, करणपुरी